आज एक खास मुलाकात ग्राम विकास अधिकारी सिकंदरपुर करंडा गाजीपुर मनोज कुमार यादव जी के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर जब आपकी नियुक्ति हुई है, कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो आपने धरातल पर किए हैं और अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं? देखिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में आपका स्वागत है। इस ग्राम पंचायत में 2022 में मेरी नियुक्ति हुई। यहाँ आने के बाद जो सरकार की प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प के तहत यहाँ पे जो है रसोई घर, शौचालय, बालक बालिका, दिव्यांगजन, टाइलीकरण और वहाँ पे एक शिक्षकों के बैठने के लिए कक्षा, टेबल, सारी व्यवस्थाएं जो एक नीड होती है शिक्षा के लिए बच्चों के लिए, उन्होंने यहाँ पर हम लोगों ने करवाया। दूसरा, सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी व्यवस्था थी पंचायत भवनों में जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें पंचायत भवन में यहाँ पर आकर के और जो सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को सुविधा मिले ग्राम पंचायत में, हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कुटुंब रजिस्टर है, जन्म मृत्यु रजिस्टर है, आय, जात, निवास या जितनी सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, उतनी योजनाएं यहाँ से संचालित हो रही हैं। यहाँ तक कि पैसे का लेन देन जो बीसी सखी के द्वारा यहाँ पर होता है, और एक इस ग्राम पंचायत के लिए एक वरदान है कि कोई आदमी अब बैंक तक नहीं जाता है। हमारे जो आवास के बेनिफिशरी हैं या जो इस तरह के छोटे गरीब तबके के लोग हैं, सीधे आते हैं, 10 बजे हमारी बीसी सखी बैठी रहती हैं और कार्य शुरू होता है। पूरे विकास खंड करंडा में सिकंदरपुर की जो बीसी सखी हैं, करोड़ों की जो है लेन देन कर चुकी हैं। अगर मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके कार्य क्षेत्र में कौन से गाँव हैं जो आपकी जद में आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ मेरे जिम्मे इस समय 6 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें सिकंदरपुर है, फिर बगल की एक पड़ोसी गांव है लीलापुर, एक धर्मा है, सबुआ है, तुलापट्टी है और श्रीगंज है। हमारे यहाँ एक श्रीगंज में चूंकि पंचायत भवन कुछ विवाद था, वहाँ नहीं हो पाया। शेष सभी जगह सरकार जो योजनाएं देना चाहती है पंचायत भवनों के मार्फत समुचित चलते हैं और जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वहाँ मिल रहा है। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी मनोज जी जो बता रहे हैं, अगर सर पहली बार गाजीपुर जिले में कोई ग्राम विकास अधिकारी बेबाक तरीके से अपनी बात को रख रहा है, अगर मनोज जी मैं आपसे पूछूं एक मीडिया के तौर पे, तो जो जो भी गांव आपको शासन के द्वारा दिए गए हैं, अगर मैं आपके साथ जाऊं वहां के जो भी विकास, अगर आप अगर वहां पे जो भी किया है, हम जरूर चाहेंगे कि जो भी लगातार आपने विकास किया है लोग उसे जानें और हम आपके साथ, हमारी पूरी टीम जाना चाहेंगे। हाँ, एकदम धन्यवाद, आपका स्वागत है। जिस गांव में आप हमको पहले बता देंगे, क्योंकि क्लस्टर के रूप में, जैसे आज मेरा क्लस्टर का दिन है बृहस्पतिवार, बगल में है शुक्रवार, इसी तरह सभी क्लस्टर बंधे हुए हैं। मतलब फलाना जगह, जैसे सोमवार का दिन हमारा धर्मा में है, मंगल को श्रीगंज में है, बुधवार को विभागीय बैठक होती है ब्लॉक पे, बृहस्पतिवार को आप देख ही रहे हैं, शुक्रवार को बगल में है, शनिवार को सबुआ और तुलापट्टी, चूंकि एक ही क्लस्टर के गांव हैं, तो दोनों गांव 10 बजे से जो है 1 बजे तक वहाँ, 12 बजे तक सबुआ में रहते हैं और 1 बजे से शेष यहाँ चलता है काम। दोस्तों, एक खास मुलाकात मनोज जी के साथ, लगातार विकास के पथ पर जब से इन्होंने पदभार संभाला सफलता चूमी है। मिलेंगे फिर एक बार इनके साथ, इन्हीं के विकास कार्य के गांवों में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं हम साझा करेंगे। मनोज जी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।